हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ क्वेश्चन धाकड़। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचान। इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे सिंपल पास्ट टेंस जो भी चीज आपकी पास्ट में हुई है, समथिंग इज हैपेंड, मतलब जो भी चीज हुई है, बिल्कुल ज्यादा दिन पहले नहीं, जो भी चीज। जैसे उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया, क्या वो सो गया, इस तरह की चीजें, ये आपका पास्ट टेंस में आता है। और मोस्टली हम ये ही यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम ये ही यूज करते हैं। तो आपका इसकी इंग्लिश में पहचान के कैसे करें? तो इंग्लिश में आप कैसे पहचानते हो? बाय हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? डिड। इसकी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है आपकी डिड। तो डिड आपका सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और प्लुरल के साथ भी यूज होगा। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में आपको एक चीज ध्यान रखना होती है, और वो चीज ध्यान आपको ये रखना है कि सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, इसमें यूज होता है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आज आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इसका फॉर्मूला होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस डिड नहीं आएगा, ध्यान रखना डिड नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे उसने खाना खाया, तो उसने खाना खाया इसका हो जाएगा ही, अगर लड़की है तो शी। ही खाना खाने क्या कहते हैं? ही एट फूड। ही एट फूड, उसने खाना खाया। ही एट फूड, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। ही एट फूड, क्या वो गया? जैसे अभी तो इंटरव्यू, तो वो गया, जैसे सिंपल सेने आप वो गया, तो वो गया तो ही वेंट। ही वेंट, वेंट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, गो वेंट गोन। तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा आपका? वेंट। ही वेंट, आया समझ में आपको? जैसे सेकेंड फॉर्म की बारिश हुई, जैसे बारिश हुई, लास्ट में क्या आ रहा है आपका? ध्यान देखें जरा, आ ई उ की ये मात्रा, जैसे जो भी चीज पास्ट में हो रही है, तो इसमें क्या होगा आपका? बारिश हुई, तो इट्स रेंड, इट्स रेंड, आपके इसमें सब्जेक्ट नहीं था इसलिए इट आया। आया आपको समझ में? अब हम पहुंचते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल सी बात, कहां पे आपको हमेशा नेगेटिव कैसे बनाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको डिड नॉट बढ़ाना है इसमें। जैसे वो गया, वो गया को आप कहेंगे वो नहीं गया, वो नहीं गया, तो कैसे बोलेंगे उसको? वो नहीं गया, ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया, ही डिड नॉट गो। पर आप डिड नॉट को डिडेंट यूज कर सकते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ही डिडेंट गो, ही डिडेंट गो, ओके, ही डिडेंट गो। अब जैसे उसने खाना नहीं खाया, he did not eat food, उसने खाना नहीं खाया, he did not eat food, या he didn't eat food, he didn't eat food। आया आपको समझ में? ये था आपका नेगेटिव। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव को सिंपल, आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी? बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या उसने खाना खाया? Did he eat food? Did he eat food? क्या उसने गाना गाया? Did he sing a song? क्या वो गया? Did he go? Did he sing a song? Did he go? नहीं, सिंपल आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी? बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। Did he go? Did he eat food? Did he eat food? Got it? तो आपका इसी के साथ आपका सिंपल पास्ट टेंस फिनिश। तो इसमें सिंपल आप प्रैक्टिस करें, और जो चीज मैंने आपको बताया याद रखनी वो चीज याद रखें और प्रैक्टिस देन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।